नमस्कार मित्रों, माँ भवानी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम मृत्यु के प्रकारों के बारे में जानेंगे, तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म में मृत्यु के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका उत्तर तो है, मृत्यु के 14 प्रकार बताए गए हैं, और मैं इसका पूरा विश्लेषण भी करके बताऊंगा कि मृत्यु के 14 प्रकार कौन कौन से हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी करूंगा। राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब अंगद रावण को बोले, तू तो मरा हुआ है, तुझे मारने से क्या फ़ायदा? रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार का पाता भी लेता है। तब अंगद ने 14 प्रकार की मृत्यु बतलाई। अंगद द्वारा रावण को बतलाई गई ये बातें आज के दौर में भी लागू होती हैं। यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो वह मृतक समान हो जाता है। नंबर एक पर है कामवास। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। और नंबर दो पर है वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहारों के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग भी मृत के समान माने गए हैं। नंबर तीन पर है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। और नंबर चार पर है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। और नंबर पाँच पर है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझाने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत के समान है। मूढ़ अध्यात्म को समझता नहीं है। नंबर छह पर है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है। और नंबर सात पर है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मनुष्य की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। और नंबर आठ पर है अतिवृद्ध। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत के समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नंबर नौ पर है सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। और नंबर 10 पर है अगखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। और नंबर 11 पर है तनुपोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही है।
जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले ना मिले वे मृत के समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। और नंबर 12 पर है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नज़र आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं सूखता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत के समान होता है। पर निंदा करने से ही नीच गोत्र का बंद होता है। नंबर 13 पर है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परमत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। नंबर 14 पर है श्रुति। संत विरोधी, जो संत ग्रंथ पुराण का विरोधी है वह भी मृत समान होता है। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं, अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वह कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संत के जैसे ब्रेक की ज़रूरत है, नहीं तो समाज में अनासार फैलेगा। लंका कांड। कोल काम बस कृपन विमुडा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अगखानी, जीवत सवसम सौदा प्राणी। तो फिर ये थे 14 प्रकार की मृत्यु।